हेलो एवरीवन, आज जो है हम बेसिक इंग्लिश का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें जो है हमारा टॉपिक होगा आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज हम समझ लें, इंग्लिश हमारा होता क्या है। कि इंग्लिश हम देखते हैं कि जो है हमारा अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। अगर इसको सब्जेक्ट की तरह यूज करें तो ये जो होता है हमारा एकेडमी या बैकग्राउंड को डिनोट करता है। ये अगर हमारा इंग्लिश को अगर सब्जेक्ट मानते हैं तो ये हमारा जो होता है बैकग्राउंड या एकेडमिक लेवल पर होता है। और ये जो होता है अगर हम इसको जो है लैंग्वेज मान करके चलेंगे इंग्लिश को, तो ये जो होता है जो होता है कंपटीशन में जो होता है हमारा एकेडमी से कोई मतलब नहीं होता है। अब हम देखते हैं जैसे किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें साउंड की जरूरत पड़ती है, और हमारा साउंड जो होता है कितना 44 होता है। तो इसमें जो होता है पहला बाबेल साउंड और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। तो हमारा बाबेल साउंड जो होता है 20 होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है 24 होता है। अगर इस साउंड की अलग कैटेगरी की बात करें तो ये जो होता है देखते हैं कि हमारे पास शार्ट साउंड, लेजी साउंड और ये लार्ज साउंड। तो शार्ट साउंड कहने का मतलब जिसमें शार्ट समय लगे, जैसे सिट, बीच। अब ये लेजी साउंड जिसमें लेजी समय लगे, जैसे टुडे, बाइसिकल। अगर लार्ज साउंड की अगर हम बात करें जिसमें लंबा समय लगे, जैसे सिट, बीच। तो इस तरह से जो अदर कैटेगरी साउंड की हम देख लें। अगर हम आगे देखते हैं फोन, जहां पर भी फोन शब्द आया वहां हम समझ जाएंगे साउंड से रिलेटेड है। तो अब ये जो हम देखते हैं कि साउंड का जो होता है फोन मैस होता है, और इसका टेक्निकल नेम की बात करें तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब हम यहाँ देखते हैं कि फोनेटिक नहीं पढ़ते, इसको फोनेटिक पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ओ का साउंड यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ हम देखते हैं अल्फाबेट में एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो होता है ग्रुप ऑफ 26 लेटर, यानी कि जो होता है 26 लेटर का जो समूह होता है, एक ग्रुप होता है, इसलिए इसका जो हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, अल्फाबेट यूज होता है। अगर हम बात करें वोकल कार्ड, तो वोकल कार्ड हम देखते हैं कि ये जो हमारा वोकल कार्ड होता है, यहाँ ये कंठ होता है, यहाँ से जो हमारा साउंड निकलता है उसको हम वोकल साउंड कहते हैं। तो ये हमारे वोकल कार्ड से जो हमें साउंड निकलता है उसे वोकल साउंड कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड, यानी कि जो हमारा जो है वोकल कार्ड से जो प्रोनाउंसिएशन जो साउंड निकलता है उसे वोकल साउंड कहते हैं, और इसी को ही हम वोकल साउंड। तो अब यहाँ अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है ये जो हमारा होता है क्या है, अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी। तो ये जो होता है क्या है कि हमारे पास जो है जैसे हमारे पास दांत, ओठ, बॉडी, टंग, इस एसेट्रा, इन सबों से जो आवाज हमें निकलता है, या इसको कह सकते हैं कि हम जिस साउंड के लिए हम किसी दूसरों की नकल करते हैं वो जो है क्या करता है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे अब अगर देखते हैं कि एक नोट समझ लें कि हमारा साउंड का प्रोनाउंसिएशन जो होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर होता है। साउंड का प्रोनाउंसिएशन हमारा जो होता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर हम जो क्या करते हैं साउंड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसे लिखा नहीं बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज अ बुक। अब हम देखते हैं कि दिस इज अ बुक ये जो होता है हमारा सही है, लेकिन दिस इज एन बुक। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा बाबेल साउंड आ गया, और यहाँ हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, और फिर यहाँ हमारा बाबेल, फिर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। तो दो जगह, यहाँ कॉन्सोनेंट और यहाँ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जब एक साथ आते हैं तो उनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलते हैं, यानी कि क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। तो दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो ये जो क्या हुआ, कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो गया। इस वजह से ये क्या है, सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब हम देखते हैं कि दिस इज अ अम्ब्रेला। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा बाबेल साउंड आ गया, और यहाँ भी हमारा बाबेल साउंड, दोनों एक साथ आ गया। तो बाबेल साउंड दोनों एक साथ आ गया, तो इस वजह से ये क्या हुआ, सेंटेंस क्या हुआ, गलत हो गया। और यही जो क्या होता है दोनों एक साथ आता है इसे वावेल क्लस्टर बोलते हैं। अब देखते हैं कि दैट इज एन अम्ब्रेला। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा वावेल साउंड आ गया, फिर हमारा यह क्या हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, और फिर हमारा क्या हुआ, वावेल साउंड आ गया। तो इस तरह से जो है हमने इंटरचेंज करके लिखा, इस वजह से क्या हुआ, यह सही हो गया। तो इस तरह से जो है अब हम आगे देखेंगे इसके आगे की लेटर क्या होता है। हमने देखा कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है, और किसी भी लैंग्वेज के बोलने के लिए साउंड की जरूरत पड़ती है, और इस साउंड को अगर लिखना हो तो हमको स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट का जो डेफिनेशन होता है हमारा, और राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए एक स्टाइल होता है, और इसी स्क्रिप्ट से निकल करके आता है हमारा लेटर जो कितना होता है 26। तो अल्फाबेट वन
ये जो होता है एक ग्रुप होता है, इसलिए सिंगुलर होता है, ए बी सी डी एट जेड। अब हम देखते हैं लेटर्स 26 होते हैं, जैसे बाबेल लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ये जो होते हैं कितना 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसी को ऑनररी बाबेल कहते हैं। और दूसरा जो होता है कंसोनेंट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, 21 होते हैं, जैसे बी सी डी एट जेड ये होते हैं। अब हम एक चीज देख लें कि ये जो होता है हमारा जो है नोट में देख ले कि W और Y जो हमारा क्या होता है, सेमी बाबेल होता है। W और Y हमारा सेमी बाबेल होता है। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वॉक। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है W जो कैसा प्रोनाउंसिएशन O का दे रहा है, और यहाँ भी O, दोनों मिलकर के ये O हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं स्काई, यहाँ हमने W कहा कि सेमी बाबेल है और Y भी सेमी बाबेल है, तो Y को हम देख रहे हैं स्काई हमने ले लिया। तो अब हम देख रहे हैं कि यह वाई का प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या हो रहा है, आई हो रहा है। तो इस तरह से जो है हमने प्रोनाउंसिएशन जो है कहा कि डब्ल्यू और वाई हमारे क्या है, सेमी बाबेल होते हैं। अब हम जो है साउंड की जो है कैटेगरी की चर्चा करेंगे। जैसे देखते हैं 26 लेटर को कैटेगराइज करें तो इसमें से जो है 5 बाबेल साउंड, 5 बाबेल लेटर होता है और 21 कंसोनेंट लेटर होता है। इसमें से हम 5 बाबेल लेटर में से 19 कंसोनेंट, 5 बाबेल लेटर्स में हम 19 बाबेल साउंड पाते हैं और 21 कंसोनेंट लेटर से जो हम 25 कंसोनेंट साउंड पाते हैं। अगर ये 19 हमारा जो है, अगर 19 जो हमारा बाबेल साउंड हो गया, तो इनमें से जो है 6 हमारा क्या होता है, शॉर्ट बाबेल साउंड होता है, और 6 जो क्या होता है हमारा लॉन्ग बाबेल साउंड होता है, और 5 जो क्या होता है हमारा आर कंट्रोल्ड बाबेल साउंड होता है, और 2 जो बचता हो वो डायफ्थांग्स होता है, डायफ्थांग्स बाबेल साउंड होता है। अगर हम 25 कंसोनेंट साउंड में से जो है 18 क्या करते हैं, कंसोनेंट साउंड होता है, और 7 जो क्या होता है हमारा डायग्राफ साउंड होता है। अगर इसको जो इजी तरीके से कैटेगराइज करें 26 लेटर को, तो ये जो होता है 20 बाबेल साउंड होता है और 24 क्या होता है, कंसोनेंट साउंड होता है। तो अब ये जो है इसमें से जो है 20 जो है हमारे बाबेल साउंड है, इनमें से जो है 12 क्या होता है, मोनोफ्थांग्स होता है, जिसको हम सिंगल बाबेल साउंड या प्योर बाबेल साउंड कहते हैं, और 8 जो होता है क्या है हमारे डायफ्थांग्स होता है, जिस जो मिक्स्ड बाबेल होता है और ग्लाइड्स करता है। तो ग्लाइड्स कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक प्रोनाउंसिएशन करें तो उसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि एक बाबेल दूसरे बाबेल पर खिसकता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ग्लाइड्स बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो है हमारे पास साउंड को जो है हम लिखेंगे,